आज का रूट वर्ड है इगोइस्ट और इगोटिस्ट। आइए इसका मतलब हम समझते हैं। जहाँ पर भी आपको ईगो वर्ड दिख जाए, दैट मीन्स उसका मतलब होता है आई, यानी मी फर्स्ट। व्हाट इजंट इट फॉर मी, यानी मेरे लिए क्या है, वैसे लोग सोचने वाले इगोइस्ट कहते हैं। जो अपने बारे में ही केवल बातें करते हों उनको हम लोग इगोटिस्ट कहते हैं। यहाँ पर समझेंगे जिसमें आई छुपा हो, क्या छुपा हो, आई छुपा हो, तो उसको हम लोग इगोइस्ट कहेंगे। रही बात इगोटिस्ट की, यानी ये हमेशा ये अपने बारे में ही टॉक करते रहते हैं, यानी अपने बारे में ही केवल कहेंगे, टॉक करेंगे। और जिसमें आई एस टी छुपा रहता है, ये बेसिकली किसी न किसी पर्सन को बताता है। अगला जो पर्सनालिटी है, ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट एक वैसा पर्सन होता है जो पॉजिटिव वे में सोचता है, जैसे द ग्लास इज हाफ फुल, यानी वो आधे खाली को भी फुल कह रहा है, दैट इज नोन एज ऑप्टिमिस्ट। लेकिन वैसी पर्सनैलिटी जो कि निगेटिव ही केवल सोचता है, जैसे अगला बंदा जो है पेसिमिस्टिक है, जैसे कि मैं बोलूँ द ग्लास इज हाफ इम्पटी, यानी वो इम्पटी को देख रहा है, फुल को नहीं देख रहा है। और जो फुल के देखेगा, यानी डैट मीन्स जो पॉजिटिव वे में सोचेगा उसको ऑप्टिमिस्ट, और जो निगेटिव वे में सोचता है व्यक्ति उसे पेसिमिस्ट कहते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।